प्रयागराज से देवरा आए हुए कवियों ने मां शेरावाली के दरबार में धमाल ही मचा दिए। देवरा में आए हुए कवियों का लोगों ने खूब जमकर सराहना किया। प्रयागराज जनपद के यमुनानगर शंकरगढ़ विकासखंड क्षेत्र के ग्राम देवरा में माँ दुर्गा दरबार में कवि सम्मेलन हुआ, जहाँ दर्जनों लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए। माँ दुर्गा के दरबार में कवि सम्मेलन का आनंद लेने के लिए लोग शामिल हुए। प्रयागराज से आए कवियों की कुछ कविताएं ऐसी थी कि लोग सुनकर भाव को उठे और माँ दुर्गा के दरबार में आए कवि सम्मेलन का आनंद लेते हुए लोगों ने खूब जमकर सराहना किया। इतना ही नहीं, बता दें कि कुछ लोगों ने कवि सम्मेलन का आनंद लेने के बाद कवियों को रुमाल देकर सम्मान किया। सम्मानित करने में रहे माँ दुर्गा के पंडा राजेंद्र यादव, कवि राम रुरेश को रुमाल देकर दीपचंद केवट जोरदार सम्मानित किया। महीप यादव और राजा राम यादव, अनिल यादव, संध्या आदिवासी बहुत सारे लोगों को सम्मानित किया। प्रयागराज से आए हुए सभी कवियों का माँ शेरावाली के सभी भक्तगण माँ शेरावाली के दरबार में तालियों से जोरदार स्वागत किया और सराहना की। हर साल माँ के दरबार में ऐसे कवि सम्मेलन हुआ करे। इतना ही नहीं, बता दें कि भ्रमण में निकले थे नारीबाड़ी चौकी इंचार्ज अनुराग यादव, कांस्टेबल इंद्रजीत यादव, विशाल सिंह, चंद्रकेश यादव। देवरा में हो रही कवि सम्मेलन में सम्मिलित हुए। कवि सम्मेलन का आनंद लेते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोगों से अपील करते हुए रहे। लोगों से बोला कि आप लोगों का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा, आप सभी लोग ऐसे ही शांति व्यवस्था बना कर रखें और नियम का पालन करें। लोगों को अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया। बोले कि कभी भी जरूरत पड़े तो फ़ोन करना, नारीबाड़ी चौकी के पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहेगी। प्रयागराज से जिला क्राइम रिपोर्टर नरेंद्र यादव। कर थोड़ा रद्दी है लेकिन ओरिजिनल गद्दी है, क्यों टायर है मजबूत हवा टांसे हनजुए खूब हवा। अरे बताओ माई सीधा सा भाई भी धोखे रहे, कहीं रुमाल भूल जाते हैं, हुआ टोपी किसी गवाल भूल जाते हैं, हद तो तब हो गई जब यार भरी महफिल में मंच पर गीत के सुल्तान भूल जाते हैं। क्या करूं क्षेत्र में आते नहीं विधायक जी, भाई कौशाम्बी का बाहर का विधायक है तो कहाँ आएगा, पगला नाम है कपड़े कपड़े। क्या करूं क्षेत्र में आते नहीं विधायक जी, पूछना था या हम सवाल भूल जाते हैं, हजार बार दिलाया गया है आज उन्हें लेकिन कदम कदम पे है दलाल भूल जाते कहीं जाते। अगर रहा साइकिल बहुत पुरान है, ये टाइट भरे उड़ान है, घंटी है लेकिन बजट नहीं, ब्रिक एकम एकर लगत नहीं, कोड़े से काम चलाई है, हम पहले से गहराई है, ए भैया दादू बगैर तब राम पियत है रोज तेल तब हो, तब राम पियत है रोज तेल तब हो, कुत्ता हो जाए फेल चिमटा भरे हुआ खोता है, पर दिल के कौन भरोसा है, भैया दोनों डगडोलत है, तय के लिए कुत्ता हुए लत है, ए भैया दादू कैसे है। तो जैसा कि रिमेकर थोड़ा रस्ती है लेकिन ओरिजिनल गद्दी, रिमेकर थोड़ा रस्ती है लेकिन ओरिजिनल गद्दी है, मजबूत हवा टाचे हन अजुए खूब हवा, मेडी गारद मुह गाए है, कई एक मेडी तो टवाए है, ए भैया दादू पंद्रह बीस से तिल्ली है, बाईस सिकीन से तिल्ली है, मेरे से धोखा खाए हन, केतरन के दवा कराए हन, ठाकुरी बहुत बवाली है, ए साईं सेवा खाली है, ए भैया दादू। एक दिन में रोली पार सकते बिटिए में लड़के खीब रही, तब तक हमार कभी आई गई रहन पुलिया के आगे ठार रहन, कब सम्मेलन कर तैयारी हम देश कौन होशियार रहन, देखन जब जनता जुटे लाग धीरे धीरे सहराई गए, अब बिटिए मेहरनिये खीब रही तब तक हमार कवि आई गए, कार्यक्रम बढ़िया चलत रहा अनजाना महफिल गहे रहे, तब तक दो तीन जने खास पौआ लगाई के जात रहे, एक जने ऐसी करे करे मैं आ जा रहा हूँ, मेरे से बोले हमारा भाग्य है कि आज हमारे घर में आ पाए, तब तक दो तीन घने खास बहुआ लगाई के जात रहे, कार्यक्रम बढ़िया सड़की तक पब्लिक खड़ी रही, वो अपने दिमाग बतियात रहे, तब तक दो तीन जने खास पौआ लगाई के जात रहे, सड़की तक पब्लिक खड़ी रही, वो अपने दिमाग बतिया आवाज सुन कबिराज है,
न बोले हो आवाज सुन कविराज है बरकऊ बगल में आ गए और पाछले पाछले ये नसुन दोनों कवियन के बीच सकाई गए। एक कवि थे अभिषेक, अभिषेक उतर के कुर्सी पर बैठे लेकिन वो चुप रहे और मिट्ठू भैया किसी आई गए और हमारे दिल पर खुप रहे। अजीब मेरा लेकिन अभी देखिएगा जब जोश आएगा। हम कहां निहाल हुए और हम कहां निहाल हुए और बजा खड़े और आराम करा लेकिन के सिवा पिए खाए चाहे जितना बदनाम करा।